Hi guys, welcome to this new vlog which is going to be on the India's Toyota's first hybrid car. तो ये जो गाड़ी है वो इंडिया में सबसे पहले हाइब्रिड आई थी, लाइक मतलब ईवी प्लस पेट्रोल. इस गाड़ी का नाम, इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस तब की और इस गाड़ी के फीचर्स, इन सभी की बात आज के वीडियो में होने वाली है. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कीस की. लाइक तभी इलेक्ट्रिक की आती थी, इस गाड़ी को परचेस किया गया था 2010 में और उस टाइम पे इसमें आपको इलेक्ट्रिक कीस मिलती भी थी, लॉक एंड अनलॉक बटन. फिलहाल जो गाड़ी है वो है टोयोटा प्रायस हाइब्रिड. आप देख सकते हैं गाड़ी में जो लोगो है कुछ ऐसा टोयोटा लोगो है, उसमें आपको ब्लू इंसर्ट देखने को मिलता है. ब्लू इंसर्ट यानी ईवी कार, टोयोटा की सबसे पहली ईवी कार इन इंडिया विच वॉज इम्पोर्टेड टू इंडिया एंड इस गाड़ी को परचेस किया गया था बाय इंडियन बॉलीवुड एक्टर. फिलहाल बात करते हैं इसके इंजन की. इस गाड़ी में मिलता है 1.8 लीटर एडकिसन साइकिल पेट्रोल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 97 bhp एंड 147 न्यूटन मीटर टॉर्क. मतलब तब के टाइम में ये गाड़ी बहुत पावरफुल थी और बहुत सारे फीचर्स से लोडेड थी. गाड़ी की कॉस्मेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मिलते हैं LED प्रोजेक्टर, हेडलाइट्स और यहाँ पर भी लाइट्स मिलते हैं. यहाँ पर हेलोजन हाई बीम लाइट्स मिलते हैं, यहाँ पर DRS मिलते हैं. इनके टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर प्लेस्ड है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स एंड फोग लाइट हेलोजन. फिलहाल ये है राइट साइड वाली लाइट असेंबली. इसके अलावा इसमें आपको जो गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू दी अदर सेडंस. बट इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी की लेंथ अप्रोक्सीमेट 5 मीटर है और गाड़ी में आपको सिल्वर कलर में, सिल्वर ग्लॉस में कुछ ऐसे 5 स्पोक एलॉयज मिलते हैं. एलॉयज साइज है 15 इंच. की टायर प्रोफाइल है 195/65R15 और इसमें आपको अभी मिलते हैं ब्लू अर्थ GT टायर जो गाड़ी में अभी लगे हुए हैं. फिलहाल इसमें आपको यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिलती है लेफ्ट एंड राइट साइड प्रोफाइल पे. ORVM की बात करें तो ORVM इलेक्ट्रिकली रिक्लेक्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विथ दी टर्न इंडिकेटर कुछ ऐसे यहाँ पर. सो गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो गाड़ी आपको फ्रंट से तो नॉर्मल गाड़ी से दिखती है, लेकिन रियर की बात करें तो इसमें आपको रियर में कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है लाइक दिस. सो इसका जो रियर है वो बहुत ही अलग है. इसमें आपको पूरा जो पियानो ब्लैक इंसर्ट देखने को मिलता है यहाँ पर ऊपर में. फिलहाल यहाँ पर भी टोयोटा लोगो है विथ ही ब्लू इंसर्ट. हाई माउंट टेल लाइट स्पॉइलर भी है, रियर वाइपर है, इवन इसमें आपको रियर वाइपर वॉशर यहाँ पर है और जो FM रेडियो एंटीना है वो ऊपर है. सो फिलहाल यहाँ पर गाड़ी का नाम है टोयोटा प्रायस और हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव. सो ये जो लोगो है वो टोयोटा प्रायस में आता है. फिलहाल जो बाकी टोयोटा की गाड़ियाँ है उसमें आपको ऐसा वाला लोगो नहीं आएगा, बस ये जो ब्लू इंसर्ट है वो आ सकता है, बट लोगो सेम नहीं होगा. इसकी जो टेल लाइट असेंबली है, फिलहाल उसकी बात करें तो यहाँ पर मिलती है फोग लाइट, यहाँ पर है टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर है ब्रेक लाइट. इसकी जो रिवर्स लाइट है वो भी इसी में इंसर्ट है यहाँ पर. सो गाड़ी की जो इंटीरियर की बात करते तो रियर में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा डोर इंटीरियर देखने को मिलता है. इसमें जो ऑल 4 पावर विंडोज़ है वो 1 touch down and 1 touch up है. गाड़ी में कुछ ये जो पोर्शन है वो लेदर फिनिश में देखने को मिलता है. डोर ओपनिंग हैंडल इन सिल्वर ग्लॉस, डोर लॉक अनलॉक नॉब, यहाँ पर ट्विटर्स है, यहाँ पर स्पीकर्स है, तो ये जो है वो ग्रैब हैंडल है टू क्लोज द डोर. सो गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी है. जैसे डोर हमने क्लोज कर लिया, जो साउंड आता है डोर का, लाइक गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. फिलहाल यहाँ पर मिलती है एडजस्टेबल सीट बेल्ट कुछ ऐसे, ऊपर नीचे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं. 2010 में भी एडजस्टेबल सीट बेल्ट आते थे. सो रियर सीट्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इसका जो बूट है वो माई गॉड, जो बूट की साइज़ है देख सकते हैं, वो बहुत ही बड़ा इसमें बूट मिलता है. लाइक इसका जो टेलगेट है वो पूरा यहाँ ओपन होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे ओपन होता है इसका टेलगेट, क्योंकि सिर्फ इसका टेलगेट पीछे से ओपन नहीं होता है, ये पूरा जो ग्लास है वो भी ओपन होता है. तो इसमें आपको रियर सीट में 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है लाइक दिस. इसको आप ऊपर उठा सकते हैं कुछ ऐसे. तो सेंटर में भी आपको सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट मिलता था तब भी. फिलहाल इसमें आपको यहाँ पर मिलती है आर्मरेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर. एक गाड़ी है 2010 मॉडल की और 2010 में भी आपको यहाँ पर आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स आते थे. फिलहाल इस गाड़ी की असेंबली जो है पूरी कंप्लीट असेंबली इंडिया के बाहर हुई है. फिलहाल जो फ्रंट सीट्स है को ड्राइवर एंड ड्राइवर सीट, उसमें आपको कुछ ऐसी फोल्डर स्पेस देखने को मिलती है दोनों सीट में. इसमें आपको फ्रंट एयरबैग्स तो आते ही, इसके साथ इसमें आपको साइड एयरबैग्स भी मिलते हैं. फिलहाल यहाँ पर है रियर इल्यूमिनेशन इन हेलोजन और रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल्स भी देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे. सो जो सेंटर इल्यूमिनेशन है फ्रंट सेंटर के लिए वो कुछ यहाँ पर प्लेस्ड है. सिंपली जो बटन्स है, जो लाइट्स है उनके उसके अंदर ही इनबिल्ड है, तो उसको प्रेस करके
की जो लाइट से इल्यूमिनेशन ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर है सनग्लास होल्डर। सो आगे का जो डैशबोर्ड डिज़ाइन है, क्या क्या फीचर्स है, उसकी बात हम आगे करेंगे ड्राइवर सीट पे बैठ के। सो ड्राइवर डोर ओपनिंग हैंडल कुछ ऐसा ही भी थी, की स्लॉट। तो की स्लॉट आपको सिर्फ फॉर ड्राइवर डोर एंड को ड्राइवर डोर में आता था। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर सीट की। तो जो ड्राइवर सीट है उसका जो बैक एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिक है, कुछ ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन है उसके वाले। इसका जो हाइट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है, बट यहाँ पर लीवर है। सीट जो सीट का बैक है उसको रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पर लीवर है, और सीट फ्रंट एंड बैक एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर लीवर है। सो यहाँ पर इसमें आपको एक छोटी सी स्पेस मिलती है, बटो छोटी सी रख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम स्पीकर यहाँ पर है, इसका जो ट्विटर है वो यहाँ पर प्लेस्ड है डैशबोर्ड पे। ऑल फोर ऑटोमेटिक पावर विंडोज, वन टच डाउन वन टच अप, डोर लॉक अनलॉक बटन एंड पावर विंडो ऑन ऑफ बटन। सो इसके जो डोर ओपनिंग हैंडल से ड्राइवर डोर वाले वो भी सिल्वर कलर मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी लेदर फिनिश देखने को मिलता है, और इसमें डोर लाइट भी देखने को मिलती है कुछ ऐसे हेलोजन में। सो कफ प्लेट्स है ब्लैक मैट में प्राइस नाम से यहाँ पर। सो बैठते हैं गाड़ी में और गाड़ी को करते हैं ऑन। ओ माय गॉड, सो यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका जो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। तो गाड़ी को मैं ऑन कर देता हूँ, लेकिन ऑन करने से पहले गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है वो यहाँ पर नहीं है, गाड़ी का हैंड ब्रेक यहाँ पर है नीचे कुछ ऐसे। तो इसको ऑफ करने के लिए सिंपली हमको प्रेस करके छोड़ना होता है। अभी ये ऑफ हो गया, ऑन नहीं है। इसको ऑन करने के लिए एक जोर से पुश देना पड़ता है। ओके, सो अभी हैंड ब्रेक ऑन है तो गाड़ी हिलेगी नहीं जगह से। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है, जैसे हम ब्रेक प्रेस करेंगे इसकी जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो जाएगी लाइक दिस। ये देखिए प्रेस कर दिया, यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वेलकम टू प्रायस। सो इसमें आपको ईवी प्लस पेट्रोल फ्यूल देखने को मिलता है। तो गाड़ी अभी फिलहाल है एनर्जी मॉनिटर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी मॉनिटर कुछ ऐसे। जो मल्टी इन्फ्यूजन डिस्प्ले है उसके जो विजुअल्स है कम्प्लीटली कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इस साइड पे है डिजिटल स्पीडोमीटर, यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर है। फिलहाल तो गाड़ी है पार्किंग मोड पे, यहाँ पर जो है वो टाइम दिखाता है, यहाँ पर जो है वो गाड़ी के मोड्स दिखाता है, फ्यूल या ईवी जो भी मोड्स ऑन होंगे। यहाँ पर हैंड ब्रेक वार्निंग और जो लाइट वार्निंग्स आती है वो इस साइड में आती है। फिलहाल यहाँ पर आपको सीट बेल्ट वार्निंग आएगी ड्राइवर सीट बेल्ट की। तो इस वाले पोर्शन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। विथ दी इंफोटेनमेंट सिस्टम्स कंट्रोल यहाँ पर है, यहाँ पर है कॉल रिसीव करने के लिए, वॉइस रिकॉग्निशन जो भी हम फ़ोन वगैरह कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हमको कॉल रिसीव यहाँ से होगा। यहाँ पर है MID कंट्रोल्स फॉर दिस MID ओवर हियर, और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है यहाँ पर है, और जो हेडलाइट्स कंट्रोल है वो यहाँ पर है, वाइपर्स कंट्रोल है वो यहाँ पर है, ऑटोमेटिक वाइपर्स इसमें मिलते हैं। इस साइड में ORVMs एडजस्ट करने के लिए या फोल्ड करने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। उसके अलावा इसमें यहाँ पर हेडलाइट लेवलर है, ड्राइवर साइड AC वेंट, डिफॉगर फॉर दिस ग्लास, एंड यहाँ पर इन्फोटेनमेंट सिस्टम कुछ ऐसे। पूरी तरह से डिजिटल नहीं है, लाइक 2D इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिलती है। हेड अप डिस्प्ले यहाँ पर है, यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो यहाँ पर फिजिकल बटन्स भी है जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं जो भी हमको एयर फ्लो चाहिए, जो टेम्परेचर है वो। यहाँ पर फिलहाल पावर मोड एंड इको मोड भी देखने को मिलता है विथ दी ईवी। सो इसमें आपको क्या होता है, फ्रिक्वेंटली जो गाड़ी है वो ईवी पे शिफ्ट होगी, या जो अगर बैटरी की पावर जब परसेंटेज कम होगी तब जो गाड़ी है वो फ्यूल पे शिफ्ट होने वाली है। यहाँ पर है हैजार्ड लाइट बटन, यहाँ पर है पार्किंग बटन। फिलहाल जो पार्किंग है वो पार्किंग ब्रेक ऑन है, तो गाड़ी इसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ फिजिकल पार्किंग ब्रेक भी मिलता है जो नीचे है। सो यहाँ पर है गियर नॉब, ये जो है वो रिवर्स है, ये जो है वो न्यूट्रल है, ये जो है वो ड्राइव है। फिलहाल जो गाड़ी है वो रिवर्स में है, इसको मैं कर पार्किंग में है, फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ ड्राइव पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइव में चली गई गाड़ी, डी हाईलाइट हो रहा है। इसको मैं फिर से पार्किंग पे लेके आता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मुझे उतना एडजस्ट नहीं हो रहा है न्यूट्रल पे लाने के लिए। फिलहाल इस वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसकी लाइट्स यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर दो ग्लोबस मिलते हैं कुछ ऐसे, एक जो है वो यहाँ पर ऊपर है और जो दूसरा है वो कुछ ऐसे नीचे है। जो नीचे वाला है वो थोड़ा सा स्पेशियस है कंपेयर टू दी दिस। सो यहाँ पर एक एयरबैग इंस्टॉल है फॉर दी को ड्राइवर, वापस से मेसी वेंट्स एंड जो डिफॉगर वेंट है वो उस क्लास के लिए। यहाँ पर एक को ड्राइवर डोर इंटीरियर विथ स्पीकर बॉटल डस्ट स्पेस पावर विंडो ऑटो वन टच डाउन वन टच अप, और यहाँ पर जो डोर ओपनिंग हैंडल है इवन जो डोर लॉक अनलॉक नॉब है सेम है। फिलहाल ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आई थिंक ये पहली गाड़ी जिसमें बैठा हूँ, और यहाँ पर जो सन वाइजर से उसमें कुशंस देखने को मिले हैं, प्लास्टिक नहीं है बिल्कुल भी, लेदर नहीं है बट क्लॉथ का है, कुशन का है। सो यहाँ पर वैनिटी मिरर विथ इल्यूमिनेशन कुछ ऐसे हेलोजन में मिलता है।
यहाँ पर जो है वो लाइट्स के कंट्रोल है, लाइक मतलब इल्यूमिनेशन जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। यहाँ पर ड्राइवर के लिए सन वाइजर भी थी, वैनिटी मिरर अगेन। गाड़ी के तो फीचर्स की मैं बात अभी कर ही रहा हूँ, लेकिन 2010 में इस गाड़ी की प्राइस थी 27 लाख। और इस गाड़ी को ओन कर रही है इंडिया की टॉप बॉलीवुड एक्टर। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके, 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 सोके। इस गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, तो उसके जो कंट्रोल्स है वो कुछ यहाँ पर है, लेफ्ट एंड राइट। और ये जो बटन है यहाँ से जो वेंटिलेशन है वो ऑन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 12 चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है कुछ ऐसे। इस गाड़ी में हिडन फीचर्स बहुत सारे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है, इसके अलावा लेदर आर्मरेस्ट विद दी स्टोरेज स्पेस, लाइक मतलब ये जगह पे नहीं रह रहा है अपने फिलहाल कोई नहीं। इस गाड़ी का जो रियर है, जो रियर टेलगेट ओपन है, वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसके लिए हमको गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे ड्राइव पे लेके आनी पड़ेगी गाड़ी। और आई एम रिलीजिंग दी ब्रेक एंड ओके हैंड ब्रेक, ओके हैंड ब्रेक पैर से रिलीज करना पड़ता है। सो गाड़ी आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, ओके। सो अभी हम फिर से इसको पार्किंग में लेके आएंगे और इसका जो टेलगेट है उसको हम ओपन करके दिखाएंगे। सो गाड़ी को स्टार्ट ही रखते हैं और इसका जो टेलगेट है उसको ओपन करते हैं। फिलहाल यहाँ से जो है वो फ्यूल लीड ओपन होती है और यहाँ से जो है वो बोनेट ओपन होता है। सो आई गेस इलेक्ट्रिक टेलगेट, इलेक्ट्रिक नहीं। इसका जो टेलगेट है पूरी ग्लास के साथ ही ओपन होता है लाइक दिस। ये जो इसका ग्लास है देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोलिक्स तो लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो रियर ग्लास है उसी के साथ इसका जो टेलगेट है वो ओपन होता है कुछ ऐसे। मतलब बहुत ही हाइट पे जाता है टेलगेट, और इसको बंद करने के लिए सिंपली ऐसे पुल करना है। यहाँ पर इसको ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, सिंपली ऐसे क्लोज कर सकते हैं इसके टेलगेट को।